हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम योर गेल ऑन योर चैनल सब सब्जेक्ट। ठीक है, आज लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की। आई थिंक हम लोग स्टार्ट करना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली इसमें एक जगह मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है वो हम लोग आप देखते हैं जस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दो वेक्टर्स हैं एक प्लेन के अंदर कुछ इस तरह से। ठीक है, क्या करा है, कुछ दो वेक्टर हैं, मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, आपको बस एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली याद हो जाता है। ए मतलब वेक्टर ए का डॉट करना है दूसरे वेक्टर बी के साथ, क्या हो जाएगा। अब भी हम देखते हैं, अब इसका मैग्नीट्यूड पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इजी। एक्चुअली क्या होता है, ये आपको याद रखना होगा, और अभी ये याद रखने का मैं तुमको तरीका समझा दूंगा, बहुत इजी है। अभी हम जब कंपोनेंट करेंगे उसका समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको है कि दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट से, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो स्केलर होता है। ठीक है, अभी आप रख लो स्केलर होता है, ये अभी डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, और जो उनका प्रोडक्ट निकल कर आया है वो एक स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, ये पूरी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है भाई, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये आया कैसे, थोड़ा हम इसके बारे में जिक्र करते हैं अभी। ठीक है, ये कैसे आया है ज़रा मैं यहाँ पर एक फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। मैं इसी फिगर को फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी है आपका, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था अभी। ठीक है, बस अब करना क्या है, मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप कंपोनेंट निकाल दो। इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि पहले वाला जो वेक्टर है, दूसरा वाला जो वेक्टर है, दूसरे वाले को चाहे पहले के अलोंग ले आओ, चाहे पहले वाले वेक्टर को दूसरे वाले के अलोंग ले जाओ। ठीक है, तो अगर मैं इस वेक्टर को इसके पास आता हूँ, मतलब इसके अलोंग करता हूँ, मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों को लिखने की कोशिश करूँगा, तो कैसे लिखूँगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं ए लिखता हूँ, ए वेक्टर का, दूसरे वाले वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड में बी लिखता हूँ, स्मॉल बी, ठीक है, दिख रहा है आपको स्मॉल बी, तो क्या हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कंपोनेंट करके इस डायरेक्शन में लाता हूँ, बी की डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिखाऊंगा तो ये हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, पहला वाला टर्म तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉट प्रोडक्ट ही करना है, होगा कि आप देखो जो तुम्हारा दूसरा जो ये वाला इसके अलोंग लाना है, तो हम इसको ऐसे ही देखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर दिया है, यहाँ पे स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे वाले का कंपोनेंट ले आओ, तो ये जगह ए कॉस थीटा, स्मॉल लिख दो ये भी, ए कॉस थीटा। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ये दोनों सेम बातें लिखी हैं, मतलब ये मैग्नीट्यूड्स हैं और साथ में कॉस थीटा है, समझ में आ गई बात। चाहे आप इसको इसके पास ले जाओ, मतलब इस वेक्टर बी को वेक्टर ए के अलोंग लिख दो, तब भी ये बनेगा। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ए बी कॉस थीटा बन जाता, या बी ए कॉस थीटा, चाहे आप इसको सुधार के थोड़ा सुधार के लिख सकते हो, यहाँ पे सुधार के लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात आपको, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, और याद करने की तो जरूरत है ही नहीं किसी भी चीज़ को, यहाँ पे समझ में आया कि जब भी हम डॉट निकालेंगे तो दूसरा पहले वाले वेक्टर को दूसरे के अलोंग निकाल दें, दूसरे वाले वेक्टर को पहले के अलोंग निकाल दें, आंसर सेम ही आने वाला है, और जो तुम्हारी क्वांटिटी निकल के आती है वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है,
ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा, आपने 9th क्लास में एक लेक्चर सुना था जिसमें मैकेनिक्स पढ़ाया गया था आपको, उसमें बताया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी फोर्स, और उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोलता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास कुछ इस तरह से ये एक ब्लॉक है, मैंने इसे फोर्स लगाया और ये फोर्स लगाने के बाद कुछ डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। इस डिस्प्लेस को हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो उनका रिजल्टेंट आता है वो आता है वर्क, ठीक है ना। याद है आपको लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में, मैं इसको लिखता हूँ, कहाँ लिख दूँ ये मैं मिटा देता हूँ उसको पहले। ये था हमारे पास फॉर्मूला, अभी ए डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग ए से लिख रहा हूँ मैं इस बार, ठीक है, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड बी से लिख रहा हूँ, कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लंबाई, मतलब एक लेंथ होती है हम लोग। और ये भी आपको पता होगा कि हम लोग दो क्वांटिटी आपको सबसे पहली वीडियो में बताई थी मैंने कि वेक्टर को आप शिफ्ट भी कर सकते हो विद द सेम ओरिएंटेशन, और आप वेक्टर्स को स्केल भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत बड़ा कोई फोर्स दे रखा है 1000 न्यूटन, तो आप उसको सेंटीमीटर में ला के एक मीटर में स्केल बनाते हो, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए, आप शिफ्टिंग करो चाहे स्केलिंग करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे लिख करके लिख लिया है, तो हमें आया कैसे आया, ठीक है भाई। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की, तो फोर्स का डॉट करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो हमारे पास क्या निकलता, क्या आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है बेटा, वर्क होता है, आपको याद होना चाहिए ये बात, ठीक है, वर्क होता है, ये याद रख लो आप। और ये इसी पे बेस्ड है, कैसे हुआ है, अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स को मैं एफ वेक्टर से लिख देता हूँ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट एक वी वेक्टर क्वांटिटी, मैं इसको स्मॉल डी से लिख देता हूँ, ठीक है। जो उनका रिजल्टेंट आएगा, तो फोर्स का रिजल्टेंट मैं ये कैपिटल एफ था तो मैं स्मॉल एफ से लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको भी स्मॉल डी से लिख देता हूँ बिना मतलब इस तरीके से करके, ठीक है। तो ये दोनों अभी मैग्नीट्यूड हो गए, और क्या आएगा आखिरी में, कॉस थीटा। मतलब कॉस थीटा का बहुत बड़ा अहम रोल है यहाँ पे, किस तरीके से, कि अगर ये जो डिपेंड करेगा डॉट प्रोडक्ट डिपेंड करेगा एंगल पे, और एंगल वेरी करता है 0 to -1 to 1, ठीक है। हमने देखा था कॉस थीटा ग्राफ क्या होता है, कॉस थीटा का हम लोगों ने एक लास्ट वीडियो में एक ग्राफ भी देखा था कुछ इस तरह से, ठीक है भाई, कॉस यहाँ से शुरू होता है कुछ इस तरह से जाता है, इस तरह से ऊपर तक आता है ना, ये जीरो पे वैल्यू, कॉस जीरो पे वन होता है, ये ओरिजिन है आपका 0, 0, यहाँ पे 90 मतलब π/2, ठीक है, ये पाई होता है मतलब 180, ठीक है, और ये फिर से 270 पे 0, और यहाँ पे आके ये ख़त्म हो जाता है मतलब 180, मतलब ये कंटिन्यू रहता है, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको दिखा दिया है शो करने के लिए, ये आपका 2π हो गया, ठीक है, ये जो भी पाई हो गया 270 और ये 360, ठीक है, तो 90 पर 0 हो जाता है, तो मतलब क्या है, और 180 पर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी +1 वैल्यू है, ये हमारी +1 वैल्यू है, ये -1 वैल्यू है, तो हम लोगों का cos 0 होगा, cos 0 का मतलब क्या है, मतलब फोर्स की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 0 degree का एंगल है, मतलब जो मैंने फोर्स लगाया था अभी इस ब्लॉक पे रखा हुआ था, यहाँ पे मैंने इस तरह से ये फोर्स लगाया, तो अब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो और फोर्स में 0 degree का एंगल है, अगर 0 degree का एंगल होगा तो वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और यही चीज़ अगर 90 हो जाए, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर को हो जाए, मतलब 90 degree पे डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में 90 degree का एंगल हो गया, इसीलिए हमारी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। इसलिए न्यूटन ने कहा था, क्या भाई क्या कहा था, उसने कहा था कि अगर कोई पुली अपने सर पे रख के सामान चलता है तो उसका वर्क डन 0 होता है। ये एक्चुअली हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं, वर्क डन, ये वर्क डन है, ठीक है, वर्क डन 0 होने का रीजन है, क्या रीजन, कि भाई अगर आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है
उसी डायरेक्शन में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट होता है तो एंगल दोनों के बीच में जीरो हो गया और कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, तो मतलब मैक्सिमम वर्क होगा अगर ये हो गई कंडीशन। अगर कॉस जीरो हो गया, अगर ये क्वांटिटी कॉस जीरो हो गई, मतलब कॉस जीरो की वैल्यू कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, वन होती है। ठीक है, ये वैल्यू जब वन हो जाएगी, ये वैल्यू जब वन हो गई तो यहाँ पर जब वन आ जाएगा तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं लिख सकता हूँ उस तरह से, इस तरह से लिख सकता हूँ। हाँ ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। वही अगर कुली अगर वेट रख के अपने सर पे चल रहा है तो फोर्स बेटा देखो, फोर्स हमेशा जब भी कभी ऊपर रखा हुआ है कोई वेट तो वो ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड करेगा, फोर्स उसका मतलब वेट जो है वो ऑलरेडी नीचे को लगेगा। ठीक है, अभी बंदा ऐसे करके सामान रखा हुआ है, यहाँ पे सामान रखा हुआ चल रहा है, तो देखो बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, मतलब क्या है कुछ इस तरीके का फिगर बन रहा है, फोर्स ये लग रहा है मतलब वेट उसका एम जी। ठीक है भाई, और डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रहा है, इधर को हो रहा है, तो ध्यान दो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दो, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 का हो गया, और जैसे ये एंगल ये 90 का हो जाएगा ना बेटा, देखो कॉस 90 पे जो कॉस होता है ना 90 डिग्री पे जीरो हो जाता है, तो मतलब ये वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब ये क्या है कोई काम ही नहीं करा उसने। ठीक है, ओके, ऐसा कुछ नहीं है, वो न्यूटन के हिसाब से है, वर्क डन है, काम करा है लेकिन उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, उसकी इसी के पास दिए जाते हैं। ठीक है, बस समझ आई आपको। तो जब भी हम कभी दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो स्केलर होता है। ठीक है, स्केलर होता है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, वो वर्क निकल के आया, और एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है, बहुत इजी है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको ये समझ में आ गई ये कैसे आया था, ये भी बताया था अभी आपको कि पहले वाले वेक्टर को दूसरे के अलोंग निकाल दो, ये दूसरे वाले वेक्टर को पहले के अलोंग निकाल दो, आंसर सेम आएगा। हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक्चुअली बेसिकली दो क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि दो वेक्टर हमको दे रखे हैं और उन दोनों के बीच का एंगल, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, और दोनों ही क्वेश्चन ईजी हैं। दूसरे क्वेश्चन ने पूछा है कि वेक्टर ए कुछ दे रखा है, वेक्टर बी कुछ दे रखा है, और वैल्यू एन की वैल्यू बतानी है, कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन इज गिवन टू यू व्हाट द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई थिंक ये आपको सबको पता है कि ये साइन किसका होता है, परपेंडिकुलर का। ठीक है, आई थिंक नो बिग डील। अभी हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंगल बताना है, सिंपल सा है, वेक्टर इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दो बेटा, बहुत इजी है ये। दोनों को डॉट करोगे तो क्या मिल जाएगा, पहले वाले का मैग्नीट्यूड लिख दो, पहले वाले का मैग्नीट्यूड, चलो मैं पहले फॉर्मूला लिख देते हैं पूरा। ठीक है, वेक्टर बी हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। एंगल बताना है आपको, तो एंगल के लिए मतलब क्या है, कॉस थीटा यहीं रहेगा और बाकी दोनों क्वांटिटीज के नीचे आ जाएंगी। ठीक है, अभी पहले इन दोनों का डॉट कर लो, डॉट करने के लिए क्या है, डॉट अपन लोग कैसे करते हैं, पहले आई के साथ में आई के मल्टीप्लाइड करेंगे, जे के साथ में जे का मल्टीप्लाइड करेंगे, के साथ में के का मल्टीप्लाइड करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 1 इंटू 4 4 हो गया, अब माइनस 1 इंटू 2, ठीक है, तो माइनस का 6 आएगा, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है इस चीज़ को। अब पहले वाले का मैग्नीट्यूड, पहले वाले का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे बेटा, देखो देखो ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब दो जितने भी कोएफिशिएंट हैं उन सबका इंडिविजुअल स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस का हो जाएगा 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है बेटा, ध्यान दो, ओके, और साथ में क्या है आपका कॉस थीटा जो हमको फाइंड आउट करना है, तो कॉस थीटा वहीं छोड़ दो, कॉस थीटा वहीं छोड़ दो, मतलब कॉस थीटा इधर लिखा हुआ है, कॉस थीटा वहीं छोड़ा हुआ है। ठीक है, ये इस क्वांटिटी को पूरी इसके नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 और माइनस 6 0 हो गया, 0 टोटल वैल्यू क्या आ गई, 0 भाई, ये वैल्यू 0 आ गई, तो इसके नीचे पूरे इस पूरे टर्म को आप इसके नीचे डिवाइड करोगे ना तो पूरा 0 आ जाएगा, तो कॉस 0 वैल्यू कब देता है, कॉस 0 वैल्यू कब आती है, जब एंगल कॉस में 90 हो, अभी बताया था ना फिगर में, देख लेना आप, तो कॉस 0 कब होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू, पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, अभी हम लोग रेडियन में लिख रहे हैं इसको, तो हमारे पास क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू, चाहे आप 90 डिग्री लिखो और पाई बाई टू लिखो, नो प्रॉब्लम,
ठीक है, दोनों तरीके से आपका आंसर सही है। ईजी है, बहुत ईजी है। अब हमको एक बात और क्लियर हो गई इस पर, अगर दोनों के बीच में अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो डेफिनेटली एंगल क्या होने वाला बेटा, 90 डिग्री होने वाला है। फिर से सुनो, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उनका उसका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो, थोड़ा वही इजी क्वेश्चन है, बस उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सिंपल। अब उसने हमको कंडीशन दे रखी है, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर हमको कंडीशन दे रखी है कि एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होने के बाद क्या वो कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपन के पास, देखो वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू पहले वाले का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस 90 डिग्री। बेटा कॉस 90 डिग्री कब क्या होता है, कॉस जीरो हो जाएगी वैल्यू, जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, जब ये टर्म जीरो हुआ तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो के हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये जीरो हो गया। अब देखो बेटा ये दोनों डॉट बचे हैं इधर, तो डॉट इन दोनों को कर लो, ठीक है, डॉट बोले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना आई का आई से जे का जैसे। तो देखो बेटा यहाँ देखो 4 × 2 क्या हो गया, 4 × 2 प्लस n × 3, n है ना बेटा, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ये n × 3 प्लस ये माइनस है, -2 × 1 तो ये जगह -2, ठीक है भाई, × 1 लिख लो आप खुशी में। तो बेटा ज़रा बता दो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 3n यहाँ पर हो गया, 3n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और उधर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, एन की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, माइनस का 2, ठीक है बेटा, इट इज़ सो ईजी। आई थिंक ये ईजी वैल्यूज हैं और आपको फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें एक वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो कंपोनेंट निकालना है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है जिसके वेक्टर बी के अलोंग। तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, अब हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो वैक्टर है मैंने मान लिया ये है इस तरह से, ठीक है, दूसरा वैक्टर मैंने मान लिया कुछ इस तरह से है, वैक्टर बी है, ये वैक्टर ए है, ये मैंने सपोज किया यहाँ, ठीक है, अज्यूम कर लिया मैंने, और मैंने मान लिया है कि इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, मुझे पता नहीं है, ठीक। तो बेटा देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी बात कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बेटा बताओ क्या हो जाएगा अगर हम लोग कंपोनेंट निकाल रहे हैं। तो देखो कंपोनेंट इसका मैं मैग्नीट्यूड ए मान लेता हूँ स्मॉल ए, और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग स्मॉल बी मान लेते हैं, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी के अलोंग हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये एक वेक्टर ए का कंपोनेंट हो जाएगा बी के अलोंग ए कॉस थीटा, साथ में मल्टीप्लाइड विद बी स्मॉल बी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, बस यही लिखिए बेटा, कोई दिक्कत है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसका वेक्टर बताना, अभी तो ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो अभी हमको जब इसको बताना है तो हमको यहाँ लिख लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इजी। और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा ए कॉस थीटा, इसके बराबर होगा, ध्यान दो बेटा ये अभी क्या है ए कॉस थीटा, ये है तो कंपोनेंट लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है कंपोनेंट तो है, ए का कंपोनेंट तो है लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है बेटा। हमें वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो देखो ये इसके अलोंग आ रहा है, तो मतलब क्या है इसका, अगर हम लोग वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर निकालें तो इसे कंपोनेंट में काम कर जाएगा, देखो। तो अभी हमने इसका ये कंपोनेंट निकाल रहा है जो मैग्नीट्यूड है, अभी हमको वेक्टर निकालने का है, वेक्टर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस गाय, इसका मैग्नीट्यूड, और बताओ यहाँ पे यूनिट वेक्टर किसका लिखें, जब ये वेक्टर इसके अलोंग आ चुका है तो यूनिट वेक्टर इसी का लिखना चाहिए आपको, ठीक है, तो बी, ठीक है, यहाँ बी क्यों लिखा है पता आपको, क्योंकि हम लोग वेक्टर लिख रहे हैं, ये हमारे पास एक मैग्नीट्यूड है, अभी अपन लोग को वेक्टर लिखना है, तो वेक्टर लिखने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है मैग्नीट्यूड में, ठीक है, मैग्नीट्यूड। भैया देखो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है कोई भी वेक्टर
और उसी का ठीक मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो देखो वेक्टर निकालने के लिए हमको इसको उधर ले आना पड़ेगा ना, देखो ये तो करा इजी है। तो देखो बेटा हमारे पास ये वैल्यू हमको दे रखी है, हमने निकाल ली है अभी ए कॉस थीटा, ये ए कॉस थीटा आ गई ठीक है। और दूसरी बी वेक्टर, बी यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, ये कैपिटल बी मतलब बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बताओ बेटा क्या आएगा, बी वेक्टर तो ये आ गया आपका, डिवाइड बाय क्या आएगा यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड इसी का। तो इसी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, स्मॉल बी से लिख देते हैं क्योंकि हम लोगों ने स्मॉल बी इसका मैग्नीट्यूड मान रखा है ठीक है। देखो जरा ध्यान दो बेटा, ये ए कॉस थीटा है, इसके बराबर मैं ये लिख सकता हूँ ना। तो मैंने इस पूरी क्वांटिटी की जगह पे मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, तो ये क्या है ए डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट में है और डिवाइडेड बाय बी है, ये मैंने पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इसकी जगह पे। साथ में क्या है, ये इधर है बी वेक्टर, ठीक है ये पूरा बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर था तो हमने यहां पर भी बी वेक्टर कर दिया डिवाइडेड बाय बी, ठीक है बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। और अब देखो बेटा ये दोनों डॉट में आ गए, कुछ इस तरह से हम सुधार के लिख लेते हैं इसको, पूरा क्वेश्चन हो चुका है ये डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर और ये बाहर बी वेक्टर है, ठीक है बेटा। देखो कि नहीं दो ए बी का दोनों डॉट कर दो और बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो और बी वेक्टर लिख देना अब, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये चीज ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए है। देखो ये वैल्यू हमको फाइंड आउट पूछ रहा है, ये वैल्यू बताओ, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए आ चुका है अलोंग वेक्टर बी, ठीक है। अब क्या है, अब कुछ नहीं, अब सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ए डॉट बी, इन दोनों का डॉट कर दो पहले, तो ये हो जाएगा 2 × 1 2, 3 × 1 3, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर मतलब इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड निकाल लो पहले, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बेटा यही देख लेते हैं, जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा ना बेटा, इसको देखो इसका 1 + 1 2 आ जाएगा, और यहाँ देखो 2 लिख दो यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर है अंडर रूट 2 है ना, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाइड है सिंपल। और वेक्टर बी लिख दो बेटा, वेक्टर बी क्या है, i + j लिख दिया, इजी हमारा काम पूरा हो गया, हमने पहले ए डॉट बी निकाल लिया इजी, और बी का स्क्वायर कर दिया, मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया है 2 आ गया, और ये हमने वेक्टर बी लिख दिया। देखो बेटा ध्यान दो, ये 5/2 रह गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको, दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये 5/2 हो जाएगा, 5/2 i + j, ये क्या है बेटा जरा याद है आपको, ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए है। सो दिस इज योर आंसर, समझ पूरा सबको समझ में आ गया, कुछ नहीं करा हम लोगों ने, वेक्टर ए कंपोनेंट निकालना है, पहले हम लोगों ने सिंपल एक रिजोल्व करा इसको, रिजोल्व करने के बाद हम लोगों को इस तरह से बना लिया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालने के लिए हम लोगों को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर किसका लगाएंगे, क्योंकि जब ये वेक्टर इसके अलोंग आ चुका है तो हम लोगों ने इसी का यूनिट वेक्टर लगा दिया, और सिंपल से हम लोग सॉल्व करा और आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नोट डाउन करो।